दोस्तों, लैपटॉप और कंप्यूटर का इस्तेमाल तो सभी लोग करते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें विंडोज की के शॉर्टकट के बारे में जानकारी होती है। दोस्तों, अगर आप जब भी वर्क करते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को, तो उस वक्त इस विंडोज की के कॉम्बिनेशन को नॉलेज में रखते हो तो आपका काम काफी हद तक आसान हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं विंडोज की के कॉम्बिनेशन के साथ आप कौन से शॉर्टकट की को यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में ये बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कॉम्बिनेशन नंबर वन, अगर आप डायरेक्टली विंडोज की को प्रेस करेंगे तो आपको एसएमएस स्क्रीन पर शो होगा विंडोज का स्टार्ट मेनू। कॉम्बिनेशन नंबर टू, अगर आप विंडोज की के साथ ए की को प्रेस करेंगे तो ओपन होगा एक्शन सेंटर। एक्शन सेंटर में आप क्विकली एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूटर सेटिंग्स को, जिसमें आपको टैबलेट मोड, एयरप्लेन मोड, वीपीएन, वाईफाई जैसे सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। कॉम्बिनेशन नंबर थ्री, अगर आप विंडोज की के साथ बी की को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन एरिया का फर्स्ट आइकॉन सिलेक्ट हो जाएगा, जिसे आप एरो की मदद से स्विच कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर फोर, अगर आप विंडोज की के साथ डी की को प्रेस करेंगे तो जो भी ओपन विंडोज हैं वो क्विकली मिनिमाइज हो जाएगा। कॉम्बिनेशन नंबर फाइव, अगर आप क्विकली विंडोज एक्सप्लोरर को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना होगा विंडोज की के साथ ई की। कॉम्बिनेशन नंबर सिक्स, अगर आप विंडोज 10 के लिए माइक्रोसॉफ्ट को कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आपको ऐसे में प्रेस करना होगा विंडोज की के साथ एफ की। कॉम्बिनेशन नंबर सेवन, अगर आप विंडोज की के साथ कंट्रोल की प्लस एफ की को, ये तीनों की को एक साथ प्रेस करेंगे तो ओपन हो जाएगा फाइंड कंप्यूटर्स का मेनू। कॉम्बिनेशन नंबर एट, अगर आप विंडोज को क्विकली लॉक करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको एक साथ प्रेस करना होगा विंडोज की और एल की, जिसकी मदद से आप विंडोज को फौरन लॉक कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर नाइन, अगर आप विंडोज की के साथ एम की को प्रेस करेंगे तो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में जितनी भी एप्लीकेशन ओपन की हुई हैं वो सारी एप्लीकेशन एक साथ मिनिमाइज हो जाएगी। कॉम्बिनेशन नंबर टेन, अगर आप आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन को किसी और डिस्प्ले के साथ या प्रोजेक्टर के साथ वायरलेसली कनेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको प्रेस करना होगा विंडोज की के साथ पी की। कॉम्बिनेशन नंबर 11, अगर आप रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करवाना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना होगा विंडोज की के साथ आर की, जिसकी मदद से आप किसी भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन को रन करवा सकते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 12, अगर आप यूटिलिटी सेटिंग्स मैनेजर को ओपन करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको प्रेस करना होगा विंडोज की के साथ यू की, तो जिसके जरिए आप कीबोर्ड, माउस जैसे यूटिलिटी सेटिंग को इजीली कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 13, अगर आप विंडोज की के साथ डब्ल्यू की को प्रेस करेंगे तो ओपन होगा विंडोज इंक वर्कस्पेस। तो दोस्तों, ये थे कंप्यूटर या लैपटॉप के विंडोज की के कॉम्बिनेशन के साथ शॉर्टकट के मेन्यूज। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।